हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ओप्पो रेनो 10 5G फोन को रीसेट कैसे करें। दोस्तों, आप अपने फोन को रीसेट कैसे करेंगे इसी का सेटिंग यहां पे आपको बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसे आप अपने फोन को रीसेट करते हैं तो जो आपका डाटा है वो डिलीट हो जाता है, जो आपका फोटो है या जो आपका वीडियो है या जो भी आपके फोन में डाटा होता है वो डिलीट हो जाता है। दोस्तों, डिलीट क्यों होता है? क्योंकि आपके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आता है, तब जाके आप अपने फ़ोन को रीसेट करते हैं और जो आपका डाटा है वो डिलीट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आपके फ़ोन में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, बहुत लोगों के फ़ोन में कुछ अलग अलग प्रॉब्लम आते हैं। तो प्रॉब्लम तो आपके फ़ोन में आ जाते हैं और कुछ लोग प्रॉब्लम को समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो प्रॉब्लम को नहीं समझ पाते हैं। जब प्रॉब्लम को कुछ नहीं समझ पाते हैं क्या प्रॉब्लम है हमारे फ़ोन में और कहाँ से आया और उसको कैसे सही करें, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने फ़ोन को रीसेट कर लेते हैं। जब कुछ नहीं समझ में आता तो अपने फ़ोन को रीसेट करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो रीसेट करने का सेटिंग है वो सब अलग अलग है। जो आपके फ़ोन में प्रॉब्लम है अगर उसके हिसाब से अपने रीसेट का सेटिंग भी आप यूज़ करेंगे तो जो आपका डाटा है वो डिलीट नहीं होगा। ये चीज़ है यहाँ पे, जो रीसेट का सेटिंग है वो अलग अलग है और जो आपके फ़ोन में प्रॉब्लम भी आता है वो सब अलग अलग होता है। तो इस तरह से अगर आप समझ लें कि हमारे फ़ोन में ये प्रॉब्लम है और हमें रीसेट करने की जो सेटिंग है ये सेटिंग यूज करना होगा, तो जो आपका डाटा है वो डिलीट नहीं होगा। तो उसमें कुछ अलग अलग सेटिंग है, कैसे यूज करना है, कैसे नहीं यूज करना है, कौन सा सेटिंग कब यूज करना है रीसेट करने के लिए, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताएंगे। तो चलिए अपने सेटिंग को ओपन करते हैं और वहाँ से आपको बताते हैं कि अपने फ़ोन को रीसेट कैसे करना है। उसके लिए आपको अपने सेटिंग को ओपन करना है। तो हम यहाँ पे अपने सेटिंग को ओपन करेंगे। आप देख रहे हैं जो हमारा सेटिंग है यहाँ पे ओपन हो जाता है और इस तरह से आपको ओपन करना है, नीचे आ जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ भी आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे और थोड़ी सी स्क्रॉल करना है, नीचे आना है और यहाँ पे आपको मिलेगा बैकअप एंड रीसेट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा रीसेट फोन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन आते हैं। दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन आपको फोन को रीसेट करने के लिए है, ये तीनों ऑप्शन आपके फोन को रीसेट करेंगे। लेकिन ये जो रीसेट करने का सेटिंग है ये अलग अलग, प्रॉब्लम जो आपकी सॉल्व हो गई वो अलग अलग के लिए है। इसमें कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व होगा, इसमें कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व होगा, इसमें कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ये अलग अलग प्रॉब्लम के हिसाब से ही रीसेट करने के लिए बना है। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है रीसेट नेटवर्क सेटिंग। अगर आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है, आप सोच रहे होंगे सिर्फ नेटवर्क एक ही होता है सिम, तो सिम का नेटवर्क ही नहीं होता है, सिम तो नेटवर्क होता ही है उसका, और इसके अलावा जो आपका वाईफाई है वो भी एक नेटवर्क होता है, जो आपका हॉटस्पॉट होता है वो भी नेटवर्क होता है। नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन होगा, चाहे वो ब्लूटूथ का हो, चाहे वाईफाई का हो, चाहे हॉटस्पॉट का हो, चाहे सिम का हो, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको ये वाले ऑप्शन को क्लिक करके रीसेट करना है, तुरंत जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है हॉटस्पॉट ऑन कर लेते हैं तो ऑन ऑफ नहीं होता है, या उसमें जो है सेटिंग कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसको हम ऑन ऑफ करेंगे या सेट करेंगे नहीं कर पाते हैं, तब आपको ये ऑप्शन पे क्लिक करके अपने फ़ोन को रीसेट करना है। अगर आपके वाईफाई में भी कोई प्रॉब्लम है, आप कोई पासवर्ड एंटर करते हैं नहीं हो पा रहा है, या आपका वाईफाई बहुत लोगों का ऑन हो जाता है बंद नहीं होता है या ऑन ऑफ नहीं होता है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है आपके वाईफाई में, तो आपको ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रीसेट करना है। अगर आपके सिम नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आता है, आपका नेटवर्क आता नहीं है या जो आपका नेटवर्क है सही से नहीं काम कर रहा है, तो अगर कोई प्रॉब्लम है आपके सिम नेटवर्क में तब भी आप इसी ऑप्शन पर क्लिक करके रीसेट करेंगे। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर अपने जो भी पासवर्ड होगा स्क्रीन लॉक का उसको एंटर कर देना है, चाहे पैटर्न फिंगर चाहे पिन कोई भी पासवर्ड होगा उसको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो हम यहाँ पे पासवर्ड नहीं एंटर करेंगे। नीचे आपको मिल जाता है रीसेट ऑल सेटिंग। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है हमारे सेटिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, हम अपने फ़ोन के जो सेटिंग है उसको कोई सेटिंग ऑन कर देते हैं या ऑफ कर देते हैं, फिर बाद में उसको हम ठीक नहीं कर पाते या उसको फिर से ऑन ऑफ या इनेबल नहीं कर पाते हैं या उसको सही नहीं कर पाते हैं, तो हमें काफ़ी दिक्कत होने लगता है और ऐसा होता है कि समझ नहीं पाते,
कुछ लोग तो ऑन ऑफ किए हैं तो उनको पता रहता है कहाँ पे सेटिंग है, उसको फिर से ठीक कर लेते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिसको ऑन कर लेते हैं फिर इसके बाद वो पता ही नहीं पाते कि हमने कौन सा सेटिंग ऑन किया कौन सा नहीं किया, काफ़ी दिक्कत हो जाता है। तो ऐसे टाइम में आपको क्या करना है, ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रिसेट करना है। अगर आपके सेटिंग में कोई प्रॉब्लम है तब तब आपको यहाँ पे रिसेट ऑल सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपने स्क्रीन लॉक का जो पासवर्ड है उसको एंटर कर देना है, जो आपका सेटिंग है वो रिसेट हो जाएगा, जो आपका सेटिंग है बिल्कुल नए फ़ोन के जैसा हो जाएगा। लेकिन आपके फ़ोन से कोई डाटा डिलीट नहीं होगा, आपका जो सेटिंग है बिल्कुल नए फ़ोन जैसे आप नया फ़ोन लाते हैं बिल्कुल वैसे आपका सेटिंग हो जाएगा, लेकिन जो आपका डाटा है वो डिलीट नहीं होगा। चाहे आप नेटवर्क रिसेट करेंगे चाहे आप अपने सेटिंग को रिसेट करेंगे, लेकिन वहाँ पे जो आपका डाटा है वो डिलीट नहीं होगा। आपके फ़ोन से कोई भी फोटो वीडियो आईडी या एप्लीकेशन कुछ भी आपका डिलीट नहीं होगा, सिर्फ आपका सेटिंग जो है जैसे आप नए फ़ोन लाए थे बिल्कुल वैसे हो जाएगा। नीचे आपको मिलता है एरेज ऑल डाटा। दोस्तों अगर आपका फ़ोन हैंग करता है या आपके फ़ोन में वायरस है या आपका मेमोरी खाली नहीं होता, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है आपके फ़ोन में, तब जाके आप ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फ़ोन को रीसेट करेंगे। जब आपको अपने फ़ोन को पूरी तरह से खाली करना हो तब आपको ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपने स्क्रीन लॉक का जो पासवर्ड है उसको एंटर कर देना है, जो आपका फ़ोन है वो रीसेट हो जाएगा, आपके फ़ोन में कोई भी डाटा नहीं बचेगा, बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।